जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएसबी वर्ल्ड। आई श्रेया पांडे हैव अपीयर्ड इन वेरियस एग्जाम्स लाइक जैग, एफकैट, सीडीएस एंड हैव बीन रेकमेंडेड वेरियस टाइम्स। सो प्लीज वॉच माय वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। आज मैं आपको लेक्चरेट के बारे में बताने वाली हूँ। जैसा कि आपको पता है कि लेक्चरेट हमारा जीटीओ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जीटीओ डे वन में ये आपके साथ लेता है, बेसिकली दिस इज द टेस्ट विच इज कंडक्टेड इन जीटीओ डे वन। सो आपको क्या करना होता है इस लेक्चरेट में, आपको एक टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। बेसिकली दे चेक योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ऑल्सो योर ओपिनियन। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आपको ये पता चलेगा कि लेक्चरेट कैसे कंडक्ट करते हैं, लेक्चरेट को बोलने में क्या टिप्स लेनी चाहिए, क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए और कैसे एक अच्छा लेक्चरेट डिलीवर किया जा सकता है। सो लेट्स बिगिन। ओके, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अबाउट सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ लेक्चरेट, विच इज लेक्चरेट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क विच इज कंडक्टेड ड्यूरिंग जीटीओ टेक्निक ऑन डे टू ऑफ जीटीओ टास्क। The main motive behind conducting this task is that an officer in the Indian Armed Forces has to lead and command his men. He must have good power of expression through which he can motivate his men and lead them in any situation. He must be able to boost confidence and zeal in his subordinate, and whatever he says should be motivating and effective. GTO will give you 3 minutes to speak, be very precise and to the point while speaking. So basically, what is the importance of power of expression? What is the importance of confidence? So as you have seen, that power of expressions helps in bringing your team connections with your teammates. So basically, क्या होता है? अगर आपका power of expressions अच्छा होता है, तो basically जो आपकी team subordinates होते हैं या जो आपके team members होते हैं, वो आपसे काफी अच्छा gel करते हैं, वो आपसे काफी अच्छा influence होते हैं। अगर आपका इन्फ्लुएंस उन पे अच्छा रहेगा, अगर वो आपसे अच्छे से जेल कर पाएंगे, तो आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, वो आपको समझने में काफी हद तक सफल रहेंगे। ओके, कॉन्फिडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है लेक्चरेट में? कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हेल्प करता है सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस देने में और उसे मोटिवेशन देने में और उसकी जील बढ़ाने में, जील और एंथुजियाज्म बढ़ाने में। बेसिकली क्या होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट होते हो तो सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस से इंस्पायर होता है, एंड इंस्पिरेशन लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन आल्सो इंस्पायर्स कॉन्फिडेंस। सो बेसिकली अगर ये सारी चीजें होंगी और एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा कॉन्फिडेंट आर्मी इंसान वही होगा जो एक अच्छा लेक्चरेट डिलीवर करेगा। अगर आप में पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा होगा, अगर आप में कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, बेसिकली ये आपकी OLQs भी हैं। तो अगर आप में ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो डेफिनेटली आप एक अच्छे लीडर हो, और यही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फंडा होता है लेक्चरेट के थ्रू आपको चेक करने का। अगर आप लेक्चरेट में पावर ऑफ एक्सप्रेशंस, अपनी नॉलेज, अपना कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें अच्छे से दिखा सकते हो, तो डेफिनेटली आपने बहुत अच्छा लेक्चरेट दिया है। अब बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि लेक्चरेट होता कैसे है। लेक्चरेट बेसिकली आपको 3 मिनट में आपको एक टॉपिक के ऊपर बोलना होता है। तो बेसिकली आपको एक कार्ड मिलता है जिसमें आपको 4 टॉपिक्स मिलते हैं, उन 4 टॉपिक्स में से आपको कोई एक टॉपिक चूज करना होता है। 33 मिनट्स के लिए यू हैव टू गो फॉर अ साइड, स्टैंड देयर एंड प्रिपेयर ओवर दैट टॉपिक। तो वो टॉपिक चूज करने की लिबर्टी होती है आपकी, प्रिपेयर करने की लिबर्टी भी आपकी होती है। तो देयर आर फ्यू पीपल जो अच्छे डिबेटर होते हैं, अच्छे मूटर्स होते हैं, जिनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है, कई सारी स्पीचेस दी होती हैं अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में, तो बेसिकली वो बहुत वेल वर्स्ड होते हैं अपनी सराउंडिंग से, सराउंडिंग कंडीशन से। उन्हें बहुत ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं लगती, बिकॉज ऑलरेडी प्रेजेंटेशन का, डेकोरेशन का पार्ट उनके स्पीच में होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, दे ओनली फोकस ऑन डिवाइडिंग देयर टॉपिक्स इन टू सब टॉपिक्स। They just categorize their topic into subtopics. वो बस एक systematic plan बना लेते हैं that how they have to deliver their lecturate. और वो 3 मिनट के लिए side में जाके उस चीज के ऊपर सोचते हैं, then they come over, they hand over the card to the GTO officer, they tell their topic and then they start giving their lecturate to their teammates. So basically आपको 3 मिनट मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मिनट में जायज सी बात है, कुछ कुछ टाइम किसी चीज के लिए अलॉट तो होता ही होगा। तो जैसा कि आपने समझा कि 2.5 मिनट विच इज 2.5 मिनट,
लेक्चरेट बोलने के लिए दिया जाता है, 30 seconds इज टू टेल योर कंक्लूजन. सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आपने अपने अच्छे टॉपिक को अच्छे से कंक्लूड किया है या अच्छे से कंक्लूड करने में सफल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका लेक्चरेट बहुत इफेक्टिव होगा और कहीं ना कहीं आपकी जो कमियां थी या आपसे कुछ गलती हो गई है, जाने अनजाने आपकी लेक्चरेट डिलीवरी में वो भरपाई हो जाएगी. ओके, टिप्स फॉर लेक्चरेट. योर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ मेजर रोल हियर. स्पीक विथ फुल कॉन्फिडेंस. तो जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा कि वॉर टाइम पे या किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के पहले एक ऑफिसर अपनी टीममेट्स को क्या देता है, अपने ग्रुप मेंबर्स को क्या देता है, ब्रीफिंग देता है अबाउट द टास्क और द प्लान विच दे आर गोइंग टू डू. अगर किसी माउंटेन पीक को कैप्चर करना है तो उसके पहले वो अपने टीममेट्स को ब्रीफिंग देगा, मोटिवेट करेगा, इंस्पिरेशन बढ़ाएगा. इन सारी चीजों में आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एक लीडर का कॉन्फिडेंस अगर हाई होगा तो डेफिनेटली उसके टीम मेंबर्स का भी कॉन्फिडेंस हाई होगा. तो ऐसे जोश बनाना अलग होता है, जोश शेयर करना अलग होता है, और दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टास्क के लिए. इसलिए कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके सारे SSB प्रोसीजर, इन योर होल SSB प्रोसीजर, यू हैव टू कैरी अ गुड कॉन्फिडेंस और अ फुल कॉन्फिडेंस विद इन योर सेल्फ. इसलिए मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा है कि योर सेल्फ कॉन्फिडेंस प्लेज अ मेजर रोल हियर. स्पीक विद फुल कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है आप कई सारी चीजें गलत बोल दोगे, कई सारी चीजें सही आते हुए भी आप गलत डायरेक्शन में दोगे, है ना. तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी के लैक्यूनर्स को ओवरकम करने में मदद नहीं करेगी. योर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप थ्रू योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेक्चरेट इज अ टास्क ऑफ योर पावर ऑफ एक्सप्रेशन. ऑल्सो एक्सप्रेशन इंक्लूड्स योर नॉलेज. सो अगर आपका एक अच्छा नॉलेज है आपके पास, अगर आप अच्छा पावर ऑफ एक्सप्रेशन होल्ड करते हो, तो डेफिनेटली आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होगे. अब आप इन्फ्लुएंसर से क्या मतलब निकालते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर वो होता है जो अपने आइडियाज को अपनी टीम को कन्वे कर सके और उसके आइडियाज को टीम फॉलो करने में अग्री करे. सो बेसिकली यू हैव टू मेक पीपल अंडरस्टैंड यू, मेक योर टीम अंडरस्टैंड यू एंड ऑल्सो फॉलो योर टीम. तो आप एक अच्छे लीडर होने की पहली चॉइस यहां से दिखाते हो. ओके, योर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड कमांड ओवर द लैंग्वेज यू स्पीक. क्लैरिटी ऑफ थॉट्स क्या होती है, जो आप बोल रहे हो वो आपने सोचा है, वो आपने कहीं ना कहीं क्रॉस वेरीफाई या क्रॉस चेक किया है कि जो भी आप बोल रहे हो वो सही है. आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स आती है आपके नॉलेज से. अगर आपका नॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी अच्छी होगी. आप अपनी चीजों को बोलने में ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे, चीजों से डेविएट होने में या किसी स्टेटमेंट को गलत बोलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके लेक्चरेट में बहुत इंपॉर्टेंट है. योर कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू स्पीक अंडर स्ट्रेस एंड करेज टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. बेसिकली ऑफकोर्स अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हो तो ऑफिसर में आपके साथ आपकी टीम होगी, आपका कमांड होगा, आपका प्लेटून होगा, आपकी बटालियन होगी, वट एवर रैंकिंग यू आर होल्डिंग, अकॉर्डिंग टू दैट यू विल बी गेटिंग पीपल ओवर देयर, नंबर ऑफ पीपल ओवर देयर. सो क्या होता है कि डेफिनेटली आपको उनको लीड करना होता है, डेफिनेटली आपको उनको ब्रीफ करना होता है, एंड टू लीड एंड टू ब्रीफ डेफिनेटली आप ही उनका एक कम्युनिकेटिंग वे होते हो. जो आपको ऊपर से ऑर्डर मिलते हैं आपको उन्हें अपने सबॉर्डिनेट्स को फॉरवर्ड करने होते हैं, उन्हें समझाने होते हैं. तो आपको उन सबके सामने बोलना होता है, आपको उन सबको समझाना होता है. अब अगर आप में स्टेज फियर होगा या आप अपनी चीजें अच्छे से अपने ग्रुप मेंबर्स को या टीम सबॉर्डिनेट्स को नहीं समझा पाओगे तो डेफिनेटली आपकी टीम आपको उतना अच्छे से परसीव करने में गलती करेगी या फॉलो नहीं कर पाएगी. तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आइडियाज, आप अपने थॉट्स अपनी टीम को बहुत अच्छे से कन्वे करो. ओके, हाउ मच आर यू अवेयर अबाउट द जनरल अवेयरनेस एंड हाउ डू यू परसीव थिंग्स, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन अबाउट द रीसेंट न्यूज एंड करंट अफेयर्स टॉपिक. जनरल अवेयरनेस और परसेप्शन के लिए मैंने इसमें इसलिए कहा है क्योंकि क्या होता है, लेक्चरेट के कई सारे टॉपिक्स अवेयरनेस रिलेटेड होते हैं या फिर करंट अफेयर्स रिलेटेड होते हैं. तो इन सारी चीजों में आपको इन करंट अफेयर्स की नॉलेज की, जनरल अवेयरनेस की, ये सारी चीजों की जरूरत पड़ती है टू सफाइज योर पॉइंट, टू पुट योर पॉइंट. तो अगर आपको अपना कोई पॉइंट रखना है, अगर आपको अपनी कोई बात कहनी है या किसी एग्जाम्पल के थ्रू आपको सामने वाले को अपनी बात समझानी है,
डेफिनेटली हम अपने प्रेजेंट सिनारियो या करंट इवेंट से जो भी चीजें हो रही हैं उससे पॉइंट पिक करके अपने पॉइंट्स को सपोर्ट करोगे. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अप टू डेट रहो. ओके, प्रिसाइज एंड क्रिस्प डिलीवरी ओवर द टॉपिक. प्रिसाइज और क्रिस्प डिलीवरी इसलिए कहा है मैंने क्योंकि आपको सिर्फ 3 मिनट मिलते हैं और 3 मिनट में आपको सारी चीजें बोलनी होती है, विच इज अ वेरी लेस टाइम. तो आपको जो भी बोलना है बहुत क्रिस्प होना चाहिए. बहुत ज्यादा किसी एक टॉपिक पे मत स्टक करिए आप. या फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंट्रोडक्शन बता रहे हो टॉपिक के बारे में तो मेक श्योर दैट विद इन होल टाइम यू डोंट स्पीक अबाउट इंट्रोडक्शन ओनली. कुछ और चीजें भी इंक्लूड करिए, अपना पर्सनल ओपिनियन, अपनी पर्सनल राय, जो भी चीजें हैं आप सारी चीजें बोलिए ताकि सामने वाले ऑफिसर को ये पता चल जाए कि यू आर नॉट अ मगिंग अप काइंड ऑफ पर्सन. एडवांस अरेंजमेंट्स ऑफ सब टॉपिक्स विद इन अ टॉपिक्स. सो ये मैंने आपको इसलिए सजेस्ट किया है ताकि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइजर दिखो. क्या होता है कई बार हम बहुत सारी चीजें बोलने का सोचते हैं बट क्योंकि हमारे एक ऑर्गेनाइजिंग अच्छी नहीं होने की वजह से हम टॉपिक्स को अरेंज नहीं कर पाते कि हमें किस पॉइंट को किस सब टॉपिक के अंदर रखना है और फिर हम सारी चीजें मिक्स करके कुछ भी बोल देते हैं. तो अरेंज होने से, ऑर्गेनाइज होने से, एक तो पहली बात आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, दूसरी बात आप काफी सिस्टमैटिक लगोगे, आपका प्रेजेंटेशन काफी सुंदर होगा. तो इसलिए आप अपने प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए उसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करो. बॉडी लैंग्वेज एंड आई कॉन्टैक्ट. बॉडी लैंग्वेज और आई कॉन्टैक्ट आपके कॉन्फिडेंस का भी एक पार्ट है. कई बार क्या होता है अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो आपके हैंड शेक करते हैं, आप स्टैमर करते हो, आप फंबल करते हो, बहुत सारी चीजों में आप आई कॉन्टैक्ट बनाने से डरते हो, या तो अगर आप झूठ बोलते रहते हो तो आप लोगों को देखने से कतराते हो. तो ये सारी चीजें आपकी पकड़ी जाती हैं. तो इसलिए आपको कुछ भी फेक नहीं करना है, जो भी है अपनी रियल पर्सनैलिटी बिल्ड करनी है और इस तरह से आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस शो करना है. हाउ टू डिलीवर अ लेक्चर इट. You will get a card which would consist of 4 topics and you have to choose one. It totally depends on you what topic you choose. Speak on the topic you have knowledge and make sure to give some facts and figures about it. Below we have mentioned some tips for SSB interview lecturing. Okay. You shall start your lecturing with good and effective introduction. So as I told you, introduction is very important for your lecturing because your impression is built up by That introduction. So, आपको 2-3 लाइन शुरुआत की तो बहुत कैची बोलनी चाहिए. आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद सम कोटेशन और प्रोवर्ब. योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल यू स्पीक. रेजिस्ट योर हैंड मूवमेंट्स, बी वेरी जेंटल, स्टैंड स्ट्रेट एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली. इफ पॉसिबल अ टच ऑफ ह्यूमर विल बी हैंडी. सो बेसिकली ह्यूमर मेक्स यू कनेक्ट टू योर कॉन्टैक्ट. सो अगर आप थोड़ा सा ह्यूमर दोगे, थोड़ी सी अपनी चीजें इंक्लूड करोगे तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाओगे अपने ऑडियंस से और ये सारी चीजें एक आपको अच्छा ओरेटर, एक अच्छा स्पीकर बनाती है. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लेक्चरेट में ये सारी चीजें इंक्लूड करो. गिव फैक्ट एंड फिगर्स, प्रोज एंड कॉन्स अबाउट द टॉपिक इन द मेन पार्ट एंड मेंटेन द आई कॉन्टैक्ट विथ योर ग्रुप. फैक्ट, फिगर्स, स्टैटिस्टिक्स देने से क्या होता है, ऐसा लगता है जैसे आपने उन चीजों पर काफी अच्छी स्टडी की है, आप काफी अपडेटेड रहते हो, आप काफी करंट इवेंट्स पे ध्यान रखते हो, तो आपका विजिलेंस अच्छा है. इस वजह से आपको अपने लेक्चरेट में फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्लूड करने चाहिए. टू सम अप योर लेक्चरेट, यूज द टाइम जुडिशियसली एंड एंड इट विद अ गुड मैसेज और योर लॉजिकल ओपिनियन और सजेशन अबाउट द टॉपिक. सो एज आई टोल्ड यू दैट दे चेक योर ओपिनियन, दे चेक योर इनसाइट. तो अगर आप अपना ओपिनियन दोगे, अपना जेन्युइन ओपिनियन दोगे जो कि आपने किसी से चुराया नहीं है, जो कि आपका एक खुद का ओपिनियन है, एंड दैट इज डेफिनेटली segregated from all the borrowed opinion. So basically when you give your fair opinion, that holds a good impact and major impact for you getting selected. It is supposed to be delivered in English language. You may switch to Hindi if you get stuck in between, but revert back to English as early as possible. So basically this is the briefing you get from GTO. Before starting your lecture, there are few students who come from different backgrounds and they are not very well versed with English. So they are allowed to speak in Hindi, but they should be also knowing the fact that this is only allowed in the situation of getting stuck in between. The preferable language in English, and they should be revert back to English as soon as possible. Okay. Tips for improvement is reading newspaper, work on the vocabulary, visit few of the English news agencies or channels, follow editorial column and develop insight.
सो ये सारी चीजें मैंने आपको अपने करंट अफेयर्स पे वर्क करने के लिए, अपने नॉलेज पे वर्क करने के लिए, आप कितने अपडेटेड रहोगे, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एज आई हैव टोल्ड यू इनिशियली। और उसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा करने के लिए आपको एक इंग्लिश चैनल, बेसिकली प्रेस चैनल, न्यूज एजेंसी कोई फॉलो करनी चाहिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना चाहिए। यू शुड बी वर्किंग अपॉन योर वोकैबुलरी, आपकी जितने अच्छे वर्ड्स एक्सप्रेशन रहेंगे, आप जितने अच्छे वर्ड्स यूज करोगे उतनी अच्छी स्ट्रांग इंग्लिश, एक अच्छा इम्पैक्ट आता है आपकी सेंटेंसेस में। तो अच्छे वर्ड्स यूज करिए, अच्छी इंग्लिश बोलिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक कोशिश करिए कि अवॉइड हो सके, और अपना एक खुद का ओपिनियन डेवलप करिए। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लोगे तो बेसिकली 3 मिनट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे, और डेफिनेटली आप अपने ग्रुप को उतना अच्छा कन्वे कर पाओगे जितना अच्छा कोई और भी नहीं कर पाया होगा। और इस स्किल्स को देख के GTO आपको काफी अच्छे मार्क्स देगा सर जी। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर द फर्दर वीडियोज। जय हिंद, थैंक यू।